नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक पवित्र पर्व जो कि हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, बिल्कुल करीब आ पहुंचा है और वह पर्व है रक्षाबंधन का। ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है, एक अनूठा पर्व है। विश्व भर में किसी संस्कृति में मैंने ऐसा पर्व कभी नहीं सुना, सिवाय सनातनी परंपरा और संस्कृति को छोड़कर, कि जिसमें कलाई पर बांधा गया रेशम का या कच्चे सूत का धागा वचनबद्ध कर देता है भाई को कि वह हर प्रकार से अपनी बहन की रक्षा करेगा। ब्राह्मण भी अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें वचनबद्ध कर देते हैं। निश्चित रूप से ये पर्व अपने आप में एक अनूठा पर्व है। और ऐतिहासिक बातों का अगर जिक्र करें तो मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने हुमायूं को रक्षा सूत्र जब भेजा था और उनसे रक्षा का निवेदन किया था, तो अलग धर्म से संबंध होने के बावजूद भी हुमायूं ने उस रक्षा सूत्र की लाज रखी थी। और ये बात अलग है कि समय पे वह नहीं पहुंच पाए थे और बहादुर शाह से रक्षा नहीं कर पाए थे। ऐसा सुना जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने भी पुरु को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया था और पुरु ने भी युद्ध में सिकंदर को जीवनदान दिया था, ऐसा कहा जाता है। पौराणिक कथा से पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। जब 52 अवतार रूपी श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और राजा बलि को पाताल लोक में रहने को विवश किया था, लेकिन वरदान प्राप्त कर बलि ने भी श्री हरि विष्णु को भी अपने साथ पाताल लोक में रहने को विवश कर दिया था, या यूं कहें वचनबद्ध कर दिया था। तब माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और दक्षिणा रूप में श्री हरि विष्णु को पुनः प्राप्त किया था। तो इस तरह मित्रों, ये पर्व एक परंपरा के तहत, सनातनी परंपरा के तहत प्राचीन समय से ही चलता चला आ रहा है। आज के समय जहां संबंधों में अब आत्मीयता कुछ कम हो गई है, इसलिए इस पर्व की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये रक्षा सूत्र बांधने का पर्व आज भी बहुत ही बहुतायत से मनाया जाता है और एक बड़ा संदेश देता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। और हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि हम इसके महत्व को, इसके संदेश को समझें, तभी समाज में शांति स्थापित होगी। अब एक संक्षिप्त बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के पर्व के मुहूर्त की। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त को शाम 7:02 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 22 अगस्त को शाम 5:33 तक रहेगी। इस तरह 22 अगस्त को प्रातःकाल से शाम तक ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब मुहूर्त की अगर बात करें तो एक अच्छा मुहूर्त दोपहर को 1:42 से शाम 4:18 तक का है। इसके पहले अगर देखें तो 12 बजे से 1 बजे तक का भी मुहूर्त बहुत अच्छा है। भद्रा प्रातःकाल ही समाप्त हो जाएगी, सुबह 6:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इस तरह से पूरे दिन भद्रा रहेगी नहीं और पूरे दिन ही ये पर्व मनाया जा सकता है। इस दिन शोभन योग है, सुबह 10:34 तक रहेगा, ये भी शुभ समय है। और जैसा मैंने कहा कि भद्रा चूँकि सुबह ही समाप्त हो जा रही है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन का वक्त रहेगा शाम 4:18 तक का वक्त रहेगा रक्षाबंधन के लिए। 4:30 के बाद 1.5 घंटे के लिए राहु काल शुरू हो जाएगा, इसलिए सुबह से
6:15 बजे से और शाम 7:04 तक का वक्त रक्षाबंधन के लिए अच्छा है। 20 पे मैंने आपको दो समय बता ही दिए हैं कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और उसके बाद 1:42 से 4:18 तक ये वक्त विशेष तौर पे अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम। नमस्कार।